करता था? देखिए, मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है, जो मीडिया वगैरह से खबरें आ रही हैं जो आपने बोला उसको देख करके अगर मैं बताऊं तो उसमें यह है कि जो सनातन धर्म है वो शाश्वत सत्य के खोज में रहता है, और ये जो प्रयास चल रहा है सनातन धर्मियों ने ये बोला कि भाई सत्य क्या है उसकी खोज की जाए। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि कोई धर्म बड़ा है छोटा है किसी को कब्जा करना है, और जो सत्य निकल करके आएगा उसी जो है सत्य के आधार पर निर्णय होगा। एक चीज आप और मान लीजिए, जहां मस्जिद बनती है कुरान वगैरह इस्लाम के हिसाब से भी इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि वो भूमि पवित्र हो और वहां किसी भी तरीके का इस तरीके का दूसरे जो है पूजा स्थल नहीं होने चाहिए। इस्लाम भी इसकी जो है इजाजत नहीं देता है कि अपवित्र भूमि पे या दूसरे धर्म की भूमि पे जहां मंदिर वगैरह हो वहां पे मस्जिद बनाया जाए। अब इस सत्य की खोज में जो सारे प्रमाण आ रहे हैं उसको माना जाए तो ये माना जाएगा कि जो हिंदू पक्ष बोल रहा है वो सही लग रहा है। और एक चीज और बोलूंगा, आपने ओवैसी जी की बात बोली, ओवैसी जी कोई बहुत बड़े खलीफा तो है नहीं, तो मैं तो ये बोलता हूँ ये तो मंदिर की शुरुआत है। कहीं ऐसा ना हो कि खाने खाबा में भी अगर ये चीज जो है व्यवस्था हो जाए और वहां सर्वे शुरू हो जाए तो वहां पे भी शिवलिंग निकल जाए, और ओवैसी जी के डीएनए का सर्वे हो जाए तो उसमें भी सनातन निकल आएगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं, ओवैसी जी के अंदर हिम्मत है तो वो अपने डीएनए का सर्वे करवाए और उसमें हिंदू का डीएनए ना निकले उनके पूर्वजों का तो बताइएगा। तो ये सत्य की खोज है। फरहत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और फरहत अली खान जी, आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि आज ये प्रमाण मिला, आज ये सबूत मिले, आज इस तरह की हिंदू कलाकृतियां मिली, तो क्या आपको लगता है कि इन दावों के आधार पर ये साबित किया जा सकता है कि उसे जो अभी ज्ञानवापी मस्जिद है वो कभी मंदिर हुआ करता था? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, मिल रही, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। मैं एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा कि लम्हों ने खता की थी, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जो औरंगजेब ने गलती की वहां पर मंदिर तोड़कर या मंदिर के चबूतरे पे मस्जिद बनाई, आज सजा हम लोग भुगत रहे हैं। सब लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान औरंगजेब से होती है, ऐसा हिंदू पक्ष क्योंकि आपका बहुत बड़ा चैनल है, आपकी अध्यक्ष से हमारी बातें वहां से पहुंची। मैंने देखा है कि या मैंने सुना है या पढ़ा है या मेरा इस्लाम कहता है कि जहां पर मूर्तियां हो, जहां पर चित्र हो, वहां पर नमाज पढ़ना चाहिए। तो फिर जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो हमारे ग्रुप ने सर्वे किया, क्योंकि हमारा इस्लाम भी कहता है कि जिस मुल्क में रहो उसके कानून का पालन करो, क्योंकि मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात करता हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ, इसलिए मुसलमान मेरा विरोध करने लगते हैं। जरा वो वक्त इतिहास का माननीय दोहराइए कि जिस वक्त में यहाँ कारीगरी आया था और उसने यहाँ के मंदिर तोड़े थे, उसके पास तलवार थी, उसके पास तीर थे, उसके पास हथियार थे, और हमारे हिंदू भाई दब गए थे। एक आहानी भी होगी कि इससे जरूर निपटा जाएगा। तो लाजमी सी बात है कि वो आज असर कर रही है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज कह रहा हूं। अगर आज हिंदू भाई ज्ञानवापी मस्जिद को लेने के लिए, वहां पूजा करने के लिए हम लोग वहां पर ये लोग जा रहे हैं, तो हम लोगों को आपत्ति और एतराज क्या है? क्या उमेश जी आप अपनी रोटी राजनीति धर्म पर मत फेंकिए। आप ये जो अभी भाई कह रहे थे कि तो हिंदू निकलेगा, वो तो हम सब लोगों के लिए हिंदू निकलेगा, क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान आए थे ठीक वो है अपने साथ बहन बेटी ठीक है हमारी फरहत जी, माँ यहाँ की, फरहत जी बड़ी अच्छी सोच है, माँ यहाँ की, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। और अगर ऐसी और सोच दोनों पक्ष की तरफ से, फरहत जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, अगर मस्जिद फरहत बनाई जी, गई है तो मैं इत्तेकाज के साथ कह रहा हूँ वहां नमाज पढ़ना या इबादत फरहत करना जी बिल्कुल नाजायज है। ठीक है, संजय जी, दीपचंद जी हमारे बहुत साथ संविधान के एक्सपर्ट हैं, वो धन्यवाद बेहतर बता सकते हैं साहब, कि मैंने पूजा दो का मिनट में अधिनियम काम समझ क्या लिया है, हुआ है, बहुत पूजा बहुत स्थल का धन्यवाद, अधिनियम 1991 बहुत क्या बहुत है, ये धन्यवाद, बेहतर बता सकते हैं।
अगर एक बार सुन ले उनकी बात तो सारा ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। ए के मिश्रा जी, मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। देखिए बहुत सिंपल है, पूजा स्थल अधिनियम ये था कि जब इस तरह की बातें बढ़ने लगी तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो विवाद तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इस विवाद को शांत करने के लिए या टालने के लिए राजनीतिक वे में देखा जाए एक एक्ट ले आ दिया कि आजादी के पहले जो चीज जैसे थी 1947 के पहले वो वैसे ही रहेगी, उसकी वस्तुस्थिति बदली नहीं जा सकती है। तो ये वो है पूजा स्थल एक्ट है। अब देखिए ये एक टेम्पररी सोल्यूशन था, संविधान में देखिए बहुत सारे प्रोविजन दिए हैं। जब पूजा स्थल एक्ट लाया गया तो उसके पहले तो पूजा स्थल एक्ट नहीं था, लेकिन एक नए एक्ट को इंट्रोड्यूस करने की संभावना संविधान में छोड़ दी गई थी और वो उन्होंने उसका उपयोग किया। तो कोई एक्ट है तो संविधान में इस चीज की गुंजाइश रहती है कि जरूरत और समय के हिसाब से उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसको बदला जा सके, उसको निरस्त किया जा सके, उसकी जगह और इफेक्टिव एक्ट को लाया जा सके। तो वो कोई बहुत चैलेंज जो है सरकार के लिए नहीं होता है, सरकार अगर पूर्ण बहुमत में होती है तो वो उसको निरस्त भी कर सकती है, उससे बेहतर कोई एक्ट ले आ सकती है। और जन सामान्य की और वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण से अगर देखें, प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे डिसाइड किया जाए कि ये क्या था, तो उसके लिए विज्ञान के पास जाना पड़ता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास जाना पड़ता है, उसका टाइम देखा जाता है कि सबसे पहले वहां पे क्या था, अवशेष वगैरह क्या मिले थे, कार्बन डेटिंग वगैरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है जो लाखों करोड़ों साल तक की टाइम या ईयर या एज को बता देती हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पर ठीक है पूजा स्थल एक्ट जो है उसमें संशोधन करने की मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि विवाद बहुत सारे जगहों पे है और शांतिपूर्वक तरीके से अगर शांत करना है उसको मॉडिफाई करके वैज्ञानिक तरीके से उसकी खोज की जाए। और देखिए मैं अभी हमारे मौलाना साहब जो बैठे हैं मैं तो बोलूंगा ये सच्चे मुसलमान हैं, इनके विचार को मैं सुन करके मैं बोलूंगा। देखिए सच्चा इस्लाम भी जो है या कोई भी धर्म है वो यही बोलता है कि अगर तुम्हें पता चले कि ये अमानत किसी और की है तो हिफाजत और इज्जत के साथ जो उसका मालिक है उसको लौटाओ। मैं सारे धर्मों की बात करता हूं और हिंदू धर्म से एक उदाहरण दूंगा, महाराज शिवाजी के सेनापति ने युद्ध में एक मुगल की लड़की को पकड़ा, शिवाजी महाराज के पास लेके गए, शिवाजी महाराज ने उसको बेटी की तरह रखा और कुछ दिनों के बाद सम्मान के साथ हीरे मोती जवाहरात दे करके औरंगजेब के यहाँ लौटाया, क्योंकि वो शिवाजी महाराज की अमानत नहीं थी, वो अमानत औरंगजेब की बेटी थी। ये सारे धर्मों के ऊपर ये मानवता का धर्म है, हम हमेशा से इसमें प्रवीण रहे हैं, सनातन धर्म हमेशा से इसमें प्रवीण रहा है, हमने कभी ऐसा नहीं किया। देखिए अगर सनातन धर्म इतना एग्रेसिव रहा होता तो इंडोनेशिया के बाद क्या दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें और मदरसे वगैरह देखेंगे, मेरे पास फिगर है इंडिया में है। अगर सहिष्णुता नहीं रही होती तो गली गली में चौराहे पे रेल की पटरियों में पुलों के ऊपर मजार बनी है तो वो नहीं हो पाता। आप इस चीज को समझिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ वैज्ञानिक तरीके से इसका निर्णय। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के नेता खेमचंद जी जुड़ चुके हैं, अब हम लोग उनसे जानना चाहेंगे। खेमचंद जी नमस्कार।